मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है। बता दें कि रीवा में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और एक कारण रीवा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये बीच निराश्रित लोगों के खातिर आश्रय स्थल और अलाव की व्यवस्था करे के निर्देश नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के द्वारा दीन के हम। तो बिंदु क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा में कड़कड़ाहट ठंड के दौरान जो लोग निराश्रित था और सड़क के किनारे रहाई का मजबूर है, लोगों के खातिर नगर निगम के द्वारा आश्रय स्थल की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के द्वारा जानकारी दे के बतावा गया कि रीवा में अब दो आश्रय स्थल है। ठंड के मद्देनजर नगर निगम के द्वारा स्थान के साथ साथ आश्रय स्थल और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। सात स्थानन में बता दें कि अलाव और आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है, जहां पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, अस्पताल, वृद्धाश्रम, साईं मंदिर, शंकर मंदिर शामिल हैं। नगर निगम आयुक्त के द्वारा निराश्रित लोगों से कहा गया है, निवेदन किया गया है कि जहाँ जहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है उनका इस्तेमाल करा। एक ही साथ साथ नगर निगम आयुक्त के द्वारा बतावा गया कि जो लोग अपने दुकान का सड़क पर बढ़ाए के व्यापार कर रहे हैं, अतिक्रमण करे हैं, उनका पीछे हटावा जा रहा है। एक ही साथ साथ यमी न वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।